रामायण में एक प्रसंग है जब रावण माता सीता को हरण कर लंका पहुंचा। माता सीता अशोक वाटिका में रहती थीं। मायावी होने के कारण रावण श्री राम का रूप धारण कर अशोक वाटिका पहुंचता था। तब माता सीता घास का एक टुकड़ा लेकर घास को देखा करती थी। आखिर ऐसा क्यों? कहा जाता है जब माता सीता का विवाह श्री राम से हुआ और अयोध्या पहुंची, एक रिवाज है कि ऐसा व्यंजन बनाया जाए जिससे घर का वातावरण हमेशा मिठास में हो। और माता सीता ने खीर बनाई, तीनों माताएं, महर्षि, चारों भाइयों और महाराज दशरथ के बीच खीर बांटा गया। उस समय तेज हवा चलने लगी और एक घास का तिनका महाराज दशरथ के खीर पर पड़ गया। तब माता सीता ने उस तिनके की ओर देखी, तिनका जलकर एक बिंदु का रूप धारण कर लिया। माता सीता ने सोची, किसी ने नहीं देखा है। खीर खाने के पश्चात महाराज दशरथ माता सीता को अपने कक्ष में बुलवाते हैं और इस बात को बताते हैं और कहते हैं, कभी भी किसी शत्रु को इस प्रकार मत देखना। और जब रावण अशोक वाटिका में पहुंचता था तो माता सीता को महाराज दशरथ की बात याद आ जाती थी, जिसके कारण माता सीता घास का टुकड़ा उठाकर उसे देखा करती थी। क्योंकि अगर माता सीता रावण को देखती तो रावण जलकर भस्म हो जाता, इसलिए माता सीता घास का टुकड़ा उठाकर उसे देखा करती थी। यही बतलाया गया है और इस कारण से माता सीता घास का टुकड़ा को देखा करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।